तो नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। और सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस विशेष लाइव प्रसारण में हम आपको लेके चलते हैं ग्यारसपुर। और ग्यारसपुर में दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है प्रतीकात्मक रूप से, उसके सजीव तस्वीरों से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा इस वक्त वहाँ पर साथ हैं और उनका भी साथ दे रहे हैं त्रिलोक सेन जी। तो चलेगा, हम आपको ले चलते हैं ग्यारसपुर। और ग्यारसपुर में दशहरा महोत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा है इसकी जीवान तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। जय जय और श्री जो लकड़ियां निकलवा ली है किसी का लाभ अधिकार है। दशहरा पर्व की बहुत बहुत और जो मेघनाथ है आप सभी यहाँ पर जो माधु खड़े हैं और जय रावण जो है धन्यवाद खड़े हुए इधर बनने का मैं कहूंगी जो बहुत भारी पड़ते हैं इनसे लड़ने के लिए आपको बहुत दुखी और विगत ब्रह्मा की शक्तियाँ आपके उपयोग करना होगी। आज इस परंपरा को सभी ग्यारसपुर के निवासीगण निभा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी देखेंगे इस कार्यक्रम में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री हनुमान जी भरतलाल जी सारे पात्र मिलकर यहाँ पर बहुत धूमधाम से रामलीला का मंचन करते हैं। रावण का दहन होता है। अच्छा बार सत्य की विजय अच्छा, का असत्य की पराजय दशहरा पर्व की बहुत बहुत सभी ग्यारसपुर के निवासीगण निभा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी देखेंगे इस कार्यक्रम में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री हनुमान जी भरतलाल जी सारे पात्र मिलकर यहाँ पर बहुत धूमधाम से रामलीला का मंचन करते हैं। रावण का दहन होता है। अच्छा बार सत्य की विजय अच्छा, का असत्य की पराजय दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इस विशेष लाइव प्रसारण में, जो कि मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से किया जा रहा है। दुर्गा चौक से दशहरा कार्यक्रम का यह सीधी तस्वीर है। हमारे पास में हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन हम तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल में कुछ परंपराओं में हमारे कमी आई है, लेकिन आस्था बरकरार है। कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त देख पाते हैं श्री राम का किरदार निभाने वाले और हनुमान जी और पूरा कहें राम दरबार इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। कुछ ही देर में रामलीला का मंचन होगा और जैसे जैसे हमारे पास में अपडेट्स आती रहेगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन इस वक्त तो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और दशहरा के ये जीवंत तस्वीरें आप तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। तो आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है ग्यारसपुर खबर लाइव में और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दुर्गा चौक से दशहरा महोत्सव की। तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राम दरबार जो भी किरदार निभा रहे हैं वो सभी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान और ये तस्वीरें युद्ध की तैयारियों की।
जय। और ये दृश्य कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर आयोजक जो हैं कुंभकर्ण को आज जगाने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न तरीकों से। और ये सीधी तस्वीरें आप ग्यारसपुर से दुर्गा चौक से दशहरा महोत्सव की देख रहे हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचा सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो दर्शक इस वक्त अभी भी जुड़े हैं आपको बताना चाहेंगे दुर्गा चौक से दशहरा महोत्सव के सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं इंडिया खबर लाइव के माध्यम से। यहाँ पर लगभग पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं रामलीला के मंचन से संबंधित। ये राम दरबार सभी किरदार जो हैं इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, और ये युद्ध की तैयारियों की पूर्व अभ्यास करते हुए
जय। दर्शक अभी भी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, दशहरा महोत्सव में। आप इस वक्त देख रहे हैं दुर्गा चौक से दशहरा महोत्सव कार्यक्रम की ये सीधी और जीवंत तस्वीरें। आप सभी को सर्वप्रथम दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कुछ सीधे विजुअल्स हमारे पास में हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये युद्ध की पूर्वाभ्यास की तैयारियां करी जा रही हैं और जो किरदार निभा रहे हैं वह भी, और ये कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास। कुछ ही देर में हम आपको श्री राम जी से भी बात कराने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, जो इस रामलीला मंचन में किरदार निभा रहे हैं श्री राम का और हनुमान का, उनसे हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने कुछ देर पहले अभी बात की है, वह बात भी उन आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए करें थोड़ा सा इंतज़ार। जल्दी
चलेगा। अब हम आपकी बात कराने चाहते हैं, कुछ हमारे मेहमान भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम आपकी चर्चा कराते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे महोत्सव को लेके। साथ ही साथ श्री राम और हनुमान का जो किरदार निभा रहे हैं उनसे आपकी चर्चा कराते हैं, सुनते हैं क्या कहा, क्या अनुभव है जो किरदार निभाते हैं हर वर्ष श्री राम का और हनुमान का। यहाँ पर बहुत धूमधाम से रामलीला का मंचन करते हैं, रावण का दहन होता है। अच्छा, बार सत्य की विजय, अच्छा मित्र असत्य की पराजय, हम ऐसे ही करेंगे। दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्यवसाय क्या है? 10,000 तो आप हनुमान जी का खुशी होती है, भगवान का आपको अनुभव प्राप्त हुई आपके अंदर से? वो तो ऑटोमेटिक प्रभु कृपा है, कई बार जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम हनुमान जी का आपका ये राम मंदिर क्या इसका अनुभव रहा, आपको कैसा प्रतीत होता राम मंदिर के बाद? चलो भैया फौजों की टीम आप अब चला जाइए और भाई से मिलकर और भाई से चलिए। अच्छा लगता है लक्ष्मण जी का रोल निभाते हैं, भगवान का आप करते रोल निभाते हैं, तो आपको कैसा खुशी होता अपने अंदर में? आपका व्यवसाय क्या है? 10,000 तो आप हनुमान जी का लगातार निभाते आ रहे हैं, हनुमान जी का जब भी बड़ी शहर का खुशी होती है हो जाता है। तो ऐसे भगवान का आपको कैसे अनुभव प्राप्त हुई आपके अंदर से? वो तो ऑटोमेटिक प्रभु कृपा है, कई बार जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम हनुमान जी का। आपका ये राम मंदिर लगातार क्या इसका अनुभव रहा, आपको कैसा प्रतीत होता राम मंदिर के बाद? चलो भैया फौजों की टीम आप अब चला जाइए और भाई से मिलकर और भाई से चलिए। अच्छा लगता है लक्ष्मण जी का रोल निभाते हैं, भगवान का आप करते रोल निभाते हैं, तो आपको कैसा खुशी होता अपने अंदर में? आपका व्यवसाय क्या है? 10,000 तो आप हनुमान जी का खुशी होती है। तो ऐसे भगवान का आप आपको कैसे अनुभव प्राप्त हुई आपके अंदर से? वो तो ऑटोमेटिक प्रभु कृपा है, कई बार जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी का व्यवसाय
करते हैं। तो आपका जो राम मंदिर का अनुभव है, कितने वर्षों का लगातार राम मंदिर आ रहा है, तो क्या इसका अनुभव रहा आपको, कैसा प्रतीत होता राम मंदिर के बाद? चलो भैया फौजों की टीम आप अब चलना चाहिए और भाई से मिलकर और भाई को सब कुछ चाहिए। अच्छा लगता है लक्ष्मण जी का रोल निभाते हैं, भगवान का आप रोल निभाते हैं, तो आपको कैसा खुशी बताते हैं? आपका व्यवसाय क्या है? 10,000 तो आप हनुमान कुछ देर पहले हमारे संवाददाता सुमन मिश्रा और वहाँ पर मौजूद थे और श्री राम का किरदार जो निभा रहे थे, उनसे बातचीत के साथ हनुमान जी से भी बातचीत की और उनके अनुभव के बारे में जाना। इस किरदार से वो यहाँ पर हमेशा हर साल यहाँ पर इस किरदार को निभाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, वेट करते हैं जब दशहरा आए और उनके लिए किरदार निभाने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं उमंग उत्साह से भरा हुआ भरपूर ये माहौल नजर आ रहा है। रामलीला का मंचन होगा थोड़ी देर में। श्री राम का जो किरदार निभाते हैं उनसे बात की, साथ ही साथ में हनुमान जी का जो किरदार निभाते हैं उनसे भी बात की और उनके अनुभव के जाना। उन्होंने बताया कि साल भर से वो वेट करते हैं, एक साल कब जल्दी से दशहरा आए और उनको यह मंचन करने का मौका मिले। और इस वक्त दुर्गा चौक से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा हम तक भेज रहे हैं। साथ ही साथ में त्रिलोक सेन जी भी हमें एक्स्ट्रा शॉट्स हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आपको आज के दशहरा महोत्सव की ताज़ा तरीन तस्वीरें आप तक हम घर बैठे आप तक पहुंचाते रहें। यही वो दुर्गा चौक स्थल है जहाँ
से बरसों से रामलीला ज्ञान केंद्र संचालित होती जा रही है और यहीं के सारे कलाकार हैं जो कि रामलीला का सफल मंचन करते हैं। जबकि दशहरा होता है तो यहाँ के रामलीला के पात्र ही पूरी रामलीला का जो करते हैं। मैं आपको बता दूँ यही 1100 के रामलीला के कलाकार हैं कि पहले यहाँ पर नाटक और प्रयासन और मंचन होता था लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन मैं किशोर साधन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कलाकार आगे चलकर बहुत ही बड़े पर्दे पर भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर इनको आर्थिक रूप से साथ संख्या के सम्मान के लिए अगर इनको आर्थिक सहायता दी जाए तो ये जरूरी होनहार अपनी कला से पूरे देश में अपनी एक अनूठी सभा बिखेर सकते हैं। यही वो दुर्गा चौक स्थल है जहाँ से बरसों से रामलीला ज्ञान केंद्र संचालित होती जा रही है और यहीं के सारे कलाकार हैं जो कि रामलीला का सफल मंचन करते हैं। जबकि दशहरा होता है तो यहाँ के रामलीला के पात्र ही पूरी रामलीला का जो करते हैं। मैं आपको बता दूँ यही 1100 के रामलीला के कलाकार हैं कि पहले यहाँ पर नाटक और प्रयासन और मंचन होता था लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन मैं किशोर साधन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कलाकार आगे चलकर बहुत ही बड़े पर्दे पर भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर इनको आर्थिक रूप से साथ संख्या के सम्मान के लिए अगर इनको आर्थिक सहायता दी जाए तो ये जरूरी होना अपनी कला से पूरे देश में अपनी एक अनूठी सभा बिखेर सकते हैं। यही वो दुर्गा चौक स्थल है जहाँ से बरसों से रामलीला ज्ञान केंद्र संचालित होती जा रही है और यहीं के सारे कलाकार हैं जो कि रामलीला का सफल मंचन करते हैं। जबकि दशहरा होता है तो यहाँ के रामलीला के पात्र ही पूरी रामलीला का जो करते हैं। मैं आपको बता दूँ यही 1100 के रामलीला के कलाकार हैं कि पहले यहाँ पर नाटक और प्रयासन और मंचन होता था लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन मैं किशोर साधन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कलाकार आगे चलकर बहुत ही बड़े पर्दे पर भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर इनको आर्थिक रूप से साथ संख्या के सम्मान के लिए अगर इनको आर्थिक सहायता दी जाए तो ये जरूरी होना अपनी कला से पूरे देश में अपनी एक अनूठी सभा बिखेर सकते हैं। यही वो दुर्गा चौक स्थल है जहाँ से बरसों से रामलीला ज्ञान केंद्र संचालित होती जा रही है और यहीं के सारे कलाकार हैं जो कि रामलीला का सफल मंचन करते हैं। जबकि दशहरा होता है तो यहाँ के रामलीला के पात्र ही पूरी रामलीला का जो करते हैं। मैं आपको बता दूँ यही 1100 के रामलीला के कला तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो कि दशहरा महोत्सव ग्यारसपुर में मनाया जा रहा है। कुछ देर पूर्व की ये तस्वीरें हमारे सामने हैं दुर्गा चौक ग्यारसपुर से हमारे सहयोगी त्रिलोक सेन और शुभम मिश्रा ने हम तक पहुंचाई हैं। और एक अपडेट भी हमारे पास में आई है कि इस बार दशहरा कार्यक्रम में दुर्गा उत्सव मूर्तियां एकत्रित नहीं की जा रही हैं जो कि प्रशासन की गाइडलाइन है। उसके अनुसार प्रतीकात्मक रूप से दशहरा का आयोजन किया जाएगा।
दुर्गा उत्सव समिति के लोग अपनी प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए सिंध नदी पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे पास में उस वह फुटेज भी आने वाले हैं और जो कि हम आपसे आपके सामने शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल का समय है लेकिन हम अपनी परंपराएं आस्थाओं को बनाए रखे हुए हैं लेकिन जो प्रोटोकॉल है प्रशासन का उसके अनुसार। और कुछ देर पूर्व की ये तस्वीरें हमारे सामने रामलीला मंचन से संबंधित हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और हमको ये सीधी सीधी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पूर्व हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने जो किरदार निभाते हैं हर साल श्री राम का और हर हनुमान का उनसे भी बातचीत की और उनके अनुभवों को भी शेयर किया और हमारे पास में कैमरे में कैद भी हुई हैं वो बातें, उनसे भी बातचीत का हम अंश आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास भी किया गया था कुछ देर पूर्व। आप ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं दशहरा महोत्सव मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से। और उसे घर देखिए तुमको जगाया है और मेरे हाथ ए भाई Thank you.
जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्यारसपुर खबर लाइव में। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से दशहरा चल समारोह की। और धीरे धीरे आगे कार्यक्रम बढ़ता हुआ और कुछ हमारे पास अपडेट्स आई है उसके मुताबिक दशहरा कार्यक्रम में दुर्गा उत्सव में मूर्तियां एकत्रित नहीं की जा रही हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप से दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दशहरा का पावन पर्व है। हालांकि इसके दो मत हुए हैं, कल भी कहीं कहीं पर दशहरा मनाया गया है, लेकिन फिलहाल दशहरा महोत्सव ग्यारसपुर मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मनाया जा रहा है उसकी हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सहयोगी त्रिलोक सेन शुभम मिश्रा हम तक ये जीवंत तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं संदेश हमें टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, आप अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचाएं, हम आपकी शुभकामनाओं को लाखों लोगों तक पहुँचाएंगे। और ये तस्वीरें कुछ देर पूर्व की योगी तैयारियों को लेकर की, उनसे भी आपको हम रूबरू कराते हैं। लगभग स्टूडियो की घड़ी में 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और दशहरा महोत्सव धीरे धीरे अपने आगे कार्यक्रम के जो भी रूपरेखा तैयार की गई है आयोजकों के द्वारा उस ओर बढ़ता हुआ। हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा ने
कार्यक्रम के मेहमान और साथ में जो किरदार निभाते हैं उन लोगों से बातचीत की है, चलेगा उसी के कुछ अंश हम आप तक आपको सुनवाते हैं। आखिरकार हमारे मेहमानों ने और साथ ही साथ जो आयोजक हैं उन लोगों ने क्या कहा है कार्यक्रम को लेकर, सुनवाते हैं। परंपरा को सभी ग्यारसपुर के निवासीगण निभा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अभी देखेंगे इस कार्यक्रम में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री हनुमान जी भरतलाल जी सारे पात्र मिलकर यहाँ पर बहुत धूमधाम से रामलीला का मंचन करते हैं, रावण का दहन होता है। अच्छा बार सत्य की विजय असत्य की पराजय दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी होती है भगवान का आप आपको कैसे आपका अनुभव प्राप्त हुआ आपके अंदर से? वो तो ऑटोमेटिक ही प्रमुख कृपा है, कई बार ऐसे चली भी जाए जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी का क्या इसका अनुभव रहा आपको, कैसा प्रति होता राम मंदिर के बाद? आप अब चलना चाहिए और भाई से मिलकर और भाई को सपोर्ट चाहिए। अच्छा लगता है लक्ष्मण जी का रोल निभाते हैं, भगवान का आप रोल निभाते हैं तो आपको कैसा खुशी बताते हैं? यही वो दुर्गा चौक स्थल है जहाँ से बरसों से रामलीला संचालित होती जा रही है, और यही के सारे कलाकार हैं जो कि रामलीला का सफल मंचन करते हैं। जबकि दशहरा होता है तो यहाँ के रामलीला के पात्र ही पूरी रामलीला का ये करते हैं। मैं आपको बता दूँ यही ग्यारहपुर के रामलीला के कलाकार हैं कि पहले यहाँ पर नाटक और प्रयासन और मंचन होता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन मैं उसमें साधन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कलाकार आगे चलकर बहुत ही बड़े पर्दे पर भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर इनको आर्थिक रूप से साथ संख्या के सम्मान के लिए अगर इनको आर्थिक सहायता दी जाए तो ये जरूरी होना है अपनी कला से पूरे देश में अपनी एक अनूठी सभा दे सकते हैं। राम जी की सेना चली हर हर महादेव।
ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से आज का यह दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, और हमारा दायित्व है आपको घर बैठे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आप तक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और सभी जो भी राम दरबार कहे इस वक्त विराजमान हो चुका है मंच पर, और कुछ ही देर में हमारे पास में आगे रामलीला के संदर्भ में ताजा अपडेट्स हमारे पास में आएगी, वह भी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल 11 फुर से यह दशहरा महोत्सव की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव के माध्यम से। हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोकसेन हम तक यह अपडेट्स भेज रहे हैं। बने रहें 11 फुर खबर लाइव के साथ। और ये अपने आप में अलग तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं 11 फुर खबर लाइव के माध्यम से। हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोकसेन इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, और राम दरबार में सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, और मास्क लगाकर यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी का जीवन बहुमूल्य है, और हमें अपने जीवन को यदि सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना होगा। और इंडिया खबर लाइव भी आप सभी लोगों से अनुरोध करेगा कि जो भी
कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें आप सभी लोग, क्योंकि आज इस धार्मिक स्थल से भी कहीं ना कहीं यही एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आपका जीवन बहुमूल्य है, इसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। और राम दरबार में सभी मास्क लगाए हुए इस वक्त आपके स्क्रीन में। तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि मध्य प्रदेश ग्यारसपुर में दशहरा महोत्सव का प्रतीकात्मक रूप से आयोजन किया जा रहा है, जो कि कोरोना काल कोरोना गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आयोजित किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन हम तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सभी दर्शकों को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम दरबार में सभी लोग मास्क लगाए हुए, साथ ही साथ आम जन में भी एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कि आपका हमारा जीवन कीमती है, इसे सुरक्षित रखना हमारे स्वयं की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज के दशहरा महोत्सव को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी आयोजक हैं
जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। और इस वक्त ये तस्वीरें दशहरा कार्यक्रम की मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से। हमारे सहयोगी लगातार हम तक लाइव फुटेज हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभम मिश्रा व त्रिलोक सेन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और जीवांत तस्वीरें आप तक पहुंचाने का अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्यारसपुर खबर लाइव में। और दशहरा महोत्सव की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से। और अब हम आपको लेके चलते हैं, रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। मंचन प्रारंभ हो चुका है।
जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और साथ ही साथ में कुछ संदेश हमारे पास में आए हैं। सोनू सेन जी लिख रहे हैं, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक टीम वर्क होता है। आप तक यह जीवन तस्वीरें पहुंचाने का के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभ्यास होता है, बहुत कहीं ना कहीं पूरी टीम हमारी इस वक्त काम कर रही है आप तक ये लाइव फुटेज पहुंचाने का। और आप सभी के टेक्स्ट मैसेज, आप सभी के शुभकामनाएं, संदेश हमारे ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं। तो सोनू सेन जी, आपने हमें धन्यवाद दिया है, आपने अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचाई हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस दशहरा के पावन पर्व की। साथ ही साथ पंडित राजेश शास्त्री जी भी अपनी फीडबैक दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव सालू जैन जी भी अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और इस वक्त लक्ष्मण शक्ति की ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन जी कार्यक्रम स्थल से जीवान तस्वीरें हम तक ये भेज रहे हैं। और हम अपना दायित्व आपको ये जीवान तस्वीरें घर बैठे पहुंचाने का निभा रहे हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक अपने संपर्क के जो लोग हैं उन तक पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि कार्यक्रम के विषय में कुछ आपके सुझाव हैं, अपनी शुभकामनाएं भी हमें आप प्रेषित करेंगे तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। और भविष्य में भी हम इस प्रकार के नित्य नए आयोजनों को लाइव जीवंत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ग्यारसपुर खबर लाइव के माध्यम से, इंडिया खबर लाइव के माध्यम से। तो बस कहीं ना कहीं हमें भी आपकी शुभकामना संदेश का, आपकी फीडबैक का, आपके टेक्स्ट मैसेज का वेट है, इंतजार है। और चलेगा, फिर से हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं दशहरा महोत्सव के जीवान तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। इसके बाद अब लखन लाल जी को शक्ति लगेगी युद्ध में। मेघनाथ
तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट मैसेज, शुभकामना संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से दशहरा महोत्सव की। घर बैठे इन तस्वीरों का आप लाभ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं यह एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। और यह जीवंत तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनू सेन जी ने अपनी फीडबैक दी है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। जय हो। पंडित राजेश जी ने भी कहा है बहुत ही सुंदर। साथ ही साथ राजीव सालू जैन जी भी अपनी शुभकामनाएं कह रहे हैं। जय श्री राम। सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और फिलहाल बात करते हैं ग्यारसपुर में पुलिस की निगरानी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो सके। यानी कि पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है, पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है इस वक्त इस कार्यक्रम में। और दशहरा महोत्सव की यह जीवंत तस्वीरें। योगी वर्मा जी अपनी फीडबैक देते हैं। जय माता दी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। जय माता दी। धर्मेंद्र कुशवाहा जी भी लिखते हैं जय माता दी। आपको भी ढेर सारी दशहरा के पावन पर्व की शुभकामनाएं। चलिएगा वापस ले चलते हैं आपको इन्हीं जीवंत तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, जो कि हमारे सहयोगी त्रिलोकी सेन और शुभम मिश्रा हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको यह कार्यक्रम यदि पसंद आ रहा है तो अपनी शुभकामना संदेश हम तक भेजें। और साथ ही साथ में यह कार्यक्रम आपके परिजनों तक भी आप इसे शेयर करें, जिससे कि वह भी घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। बने रहें ग्यारसपुर खबर लाइव के साथ।
तो नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है 11 खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त दशहरा महोत्सव 11 से यह सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी त्रिलोकी सेन और शुभम मिश्रा हमारे साथ यह लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और घर बैठे आप इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। और सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की, और आपकी शुभकामना संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं जिसमें प्रेम रघुवंशी जी लिखते हैं जय माता दी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेम जी, प्राण जी। और साथ ही साथ संजय ठाकुर जी भी अपनी शुभकामनाएं मैसेज देते हैं, मास्क लगाकर अपना ध्यान रखना, जय माता दी। बिल्कुल बहुत सुंदर आपने जागरूकता का एक मैसेज भेजा है। साथ ही साथ राहुल लोधी जी भी अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं राहुल जी आपको दशहरा के पावन पर्व की। साथ ही साथ जितेंद्र मीना जी भी अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, जय माता दी। संजय ठाकुर जी, धर्मेंद्र कुशवा जी और योगी वर्मा जी, राजीव सालू जैन जी और पंडित राजेश शास्त्री जी, सोनू सेन जी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के पावन पर्व की। आपकी आप भी यह कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो यह कार्यक्रम अपने परिजनों को शेयर कीजिएगा जिससे कि वह भी घर बैठे लाभ ले सकें। और हम आपको प्रयासरत रहेंगे, ग्यारसपुर से संबंधित कोई भी कार्यक्रम धार्मिक आपकी आस्था से संबंधित है आपको घर बैठे पहुंचाने का हमारा दायित्व रहेगा। इसलिए आप इस हमारे चैनल से फेसबुक पेज से आप जुड़ें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे अपनी फीडबैक भी, अपनी सुझाव भी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक भेजें। और बताना चाहेंगे इस वक्त दशहरा महोत्सव की ये जीवान तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 11 खबर लाइव के माध्यम से, बने रहें हमारे साथ। तो भाई को कहना नहीं माना है, इसके बाद अब लखन लाएगी को शक्ति लगेगी युद्ध में। मेघनाथ बिल्कुल नहीं है, सेवक होने के लिए लोगों ने धन पड़ा ताकि उनको धंधे पहुंचे, पानी की व्यवस्था करें, पात्रों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराएं। Yeah.
जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त आपको बताना चाहेंगे ग्यारह पूर्व मध्य प्रदेश से यह दशहरा महोत्सव के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी त्रिलोक सेन और शुभम मिश्रा हम तक पहुंचा रहे हैं, और भविष्य में भी हम आपको इस प्रकार के कार्यक्रमों को जीवंत प्रसारण आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ें, और आपको यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपने परिजन को भी यह कार्यक्रम की लिंक शेयर करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और साथ ही साथ हमें आप सभी के शुभकामनाएं संदेश भी मिल रहे हैं इस वक्त। और विनोद जी ने अपना मैसेज भेजा है, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी सर, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आज के पावन पर्व की। संजय ठाकुर जी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, प्राण रघुवंशी जी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, साथ ही साथ श्वेता जैन जी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, लिखा है जय माता दी। तो आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप इस वक्त देख रहे हैं ग्यारसपुर से यह दशहरा महोत्सव के सीधी तस्वीरें। और आगे की अपडेट्स के लिए हम चलते हैं और जो फुटेज हमें आ रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और जो हमारे पास में अपडेट आ रही है उसके मुताबिक राम और रावण का युद्ध शुरू हो चुका है। जी हां, राम और रावण का युद्ध ग्यारसपुर के दशहरा महोत्सव में शुरू हो चुका है। इसी देर में हम आपको लाइव से भी अपडेट कराएंगे। फिलहाल सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। साथ ही साथ में हमें कुछ शुभकामनाएं संदेश भी मिल रहे हैं, और धर्मेंद्र कुशवाहा जी मैसेज देते हैं, जय माता दी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस पावन पर्व की। और
विनोद जी ने भी अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचाई हैं, प्राण रघुवंशी जी ने भी अपनी शुभकामनाएं हम तक भेजी हैं। आप सभी दर्शकों को भी दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे की अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं। राम और रावण का युद्ध शुरू हो चुका है, चलेगा उन्हीं तस्वीरों से आपको हम रूबरू कराते हैं। बने रहें 11 स्पोर खबर लाइव के साथ।
जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और इस वक्त आप देख रहे हैं दशहरा महोत्सव का सीधा प्रसारण, जी हाँ, ग्यारसपुर मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन जी हम तक ये फुटेज पहुंचा रहे हैं और घर बैठे आप इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। आपको ये कार्यक्रम पसंद है तो अपने परिजनों को भी यह कार्यक्रम की लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। साथ ही साथ में बहुत सारी शुभकामना संदेश भी हम तक पहुँच चुके हैं, सुनीता जैन जी का, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, साथ ही साथ विनोद जी और प्राण रघुवंशी जी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और चलिएगा, ले चलते हैं सीधे आपको, राम और रावण का युद्ध शुरू हो चुका है और देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त दशहरा महोत्सव में। चलिए एक जीवंत तस्वीरों से रूबरू कराते हैं आपको। Come on.
के जला असत्य पर सत्य की जीत का आज का ये कार्यक्रम रामलीला का मंचन आज 11 को कोरोना काल में शासन के निर्देशों के गाइडलाइन को पालन करते हुए किया गया। 11 शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी कि केवल कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रूप में करना है। इसमें कार्यक्रम में मूर्तियों का विसर्जन का जल समारोह का आयोजन नहीं किया गया। केवल एक शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में दशहरे का आयोजन किया गया एवं जो नवदुर्गा उत्सव समिति के जो सदस्य थे और जिनने अपनी अपनी 11 के अन्य क्षेत्रों में झांकियों का आयोजन किया गया था उन सभी ने अपनी झांकियों को एक स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन्होंने अपनी झांकियाँ 11 के पास लगभग 10 किलोमीटर की सिंध नदी पर चलाई। इसके अलावा 11 में शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में बस चंद चौराहे पर दशहरे का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन काफ़ी एकत्रित रहा और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराता रहा। धन्यवाद। 11 तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। और यह कार्यक्रम लगभग संपन्न होता हुआ और इस प्रकार से ग्यारसपुर में दशहरा का पावन पर्व बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। यह कहीं ना कहीं एक पूरा टीम वर्क था और इस कार्यक्रम को हमने जीवांत आपके साथ पहुँचाया। आगे भविष्य में भी हम इस प्रकार के जीवांत कार्यक्रम हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसलिए फेसबुक के हमारे पेज यूट्यूब के चैनल से जुड़ें और इस प्रकार की जीवान तस्वीरों से रूबरू होते रहें। साथ ही साथ हमें कुछ शुभकामनाएं संदेश हम तक भेजे हैं रामगोपाल प्रजापति जी ने। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं रामगोपाल जी। दशहरा के पावन पर्व के सुरेंद्र जी ने धन्यवाद सुपर लिखा है। धन्यवाद सुरेंद्र जी आपको। धर्मेंद्र कुशवाहा जी जय माता दी लिखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र कुशवाहा जी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुसार प्रतीकात्मक रूप में बस चंद चौराहे पर दशहरे का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन काफी एकत्रित रहा और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराता रहा। धन्यवाद। 11 तो दर्शकों यह एक बहुत बड़ा टीम वर्क था जिसमें हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा ग्यारसपुर से त्रिलोक सेन जीवान तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें एक बार पुनः हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम वर्क था और जो हमने अब आपको घर बैठे दशहरा इस कार्यक्रम का जीवान प्रसारण दिखाया। आगे भविष्य में भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मुझे यानी अनूप पांडे को दीजिए इजाजत। मेरी टीम शुभम मिश्रा और त्रिलोक सेन के साथ आपसे फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। ढेर सारी एक बार फिर से आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
धू करके जला असत्य पर सत्य की जीत का आज का ये कार्यक्रम रामलीला का मंचन आज 11 को कोरोना काल में शासन के निर्देशों के गाइडलाइन को पालन करते हुए किया गया। 11 शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी कि केवल कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रूप में करना है। इसमें कार्यक्रम में मूर्तियों का विसर्जन का जल समारोह का आयोजन नहीं किया गया। केवल एक शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में दशहरे का आयोजन किया गया एवं जो नवदुर्गा उत्सव समिति के जो सदस्य थे और जिनने अपनी अपनी 11 के अन्य क्षेत्रों में झांकियों का आयोजन किया गया था उन सभी ने अपनी झांकियों को एक स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन्हें अपनी झांकियाँ 11 के पास लगभग 10 किलोमीटर की सुंदर नदी पर चराई। इसके अलावा 11 में शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में बस स्टैंड चौराहे पर दशहरे का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन काफ़ी एकत्रित रहा और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराता रहा। धन्यवाद। 11